नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। सपा विधायक इरफान सोलंकी को गुरुवार को कानपुर की अदालत में पेश किया गया। उन्हें बांग्लादेशी नागरिक रिजवान मोहम्मद के मामले में महाराजगंज जेल में लाया गया है। बता दें आपको कि पुलिस इस मामले में उनकी रिमांड लेगी और सपा विधायक इरफान सोलंकी के खिलाफ 8 नवम्बर को जाजमऊ डिफेंस कॉलोनी निवासी नसीर फातिमा की तहरीर पर प्लॉट पर कब्जे की कोशिश और आगजनी का एक मुकदमा दर्ज कराया गया था। और मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस विधायक के घर पहुंची तो वो फरार हो गया। और इसके बाद तमाम घटनाक्रमों में विधायक इरफान सोलंकी के खिलाफ 7 मुकदमे बताया जा रहा है दर्ज हो चुके हैं और इनमें से एक ही मुकदमा बांग्लादेशी नागरिक रिजवान मोहम्मद से जुड़ा है। और मूलगंज पुलिस ने रिजवान मोहम्मद को 11 दिसंबर को ही गिरफ्तार किया था, जो कि कूट रचित आधार कार्ड और अन्य दस्तावेजों की मदद से भारतीय बनकर यहां रह रहा था। जांच के दौरान सामने आया है कि रिजवान मोहम्मद को भारतीय होने का प्रमाण पत्र और उसे आधार कार्ड बनवाने में विधायक इरफान सोलंकी ने मदद की थी। चले रुक करते अगली खबर की ओर। कानपुर एमएलसी और शिक्षक सीट के लिए कानपुर आईटीआई पांडुनगर में मतगणना हुई और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच ही मतगणना स्थल पर आल अधिकारी ही अपनी नजरें बनाए रखे। और इसके साथ ही आपको बता दें कि मतगणना स्थल पर समर्थकों को केंद्र के बाहर ही रोका गया और एक कमरे में 66 कर्मी मतगणना की और इसके साथ ही 12 घंटे स्विच बदलने पर ही दूसरे कर्मी आ गए। और ये भी जानकारी सामने आई है कि उन्नाव कानपुर देहात में 5,599 पुरुष और 30,369 महिलाओं ने मतदान किया है। वहीं शिक्षक एमएलसी में 8,417 पुरुष और 5,104 महिलाओं ने मतदान किया। शिक्षक में जिस प्रत्याशी को 6,762 वोट मिलेंगे तो वो विजेता घोषित होगा। और उसी तरह स्नातक में ही आपको बता दें कि कई वोट मिलने का विजेता घोषित होगा। डॉक्टर देवेंद्र शर्मा एक दिवसीय दौरे पर रायबरेली पहुंचे। इस दौरान डॉक्टर देवेंद्र शर्मा ने जिला अस्पताल में बनाए गए पीकू वार्ड और एलआरसी महिलाओं के लिए वर्ल्ड टॉप सेंटर अस्पताल का भ्रमण कर मरीजों का हालचाल जाना है। वर्ल्ड टॉप सेंटर में गंदगी मिलने पर उन्होंने वहां के कर्मचारियों को फटकार भी लगाई है। मैं डॉक्टर रोशन सिंह पटेल, इमरजेंसी मेडिकल अफसर, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रायबरेली। हाँ, 35 साल का एक युवक जो है जिसका नाम शंकर सैनी बताया जा रहा था और पिता का नाम रामलखन सैनी, सुरजापुर का रहने वाला था, जिसे मृत अवस्था में एम्बुलेंस 108 द्वारा लाया गया। उसको देख करके उसको डिक्लेयर कर दिया गया और मोर्चरी में बॉडी रखवा दी गई। खबर बिजनौर से है। बिजनौर में बिलाई शुगर मिल परिसर में किसानों ने गन्ने के करोड़ों रुपए भुगतान को लेकर धरने प्रदर्शन किया है। किसानों का आरोप है कि बिलाई मिल की बिजली काट कर किसानों की पिटाई की गई और इस दौरान ही किसानों ने पुलिस चौकी भागकर अपनी जान बचाई है। वहीं ये पूरा मामला थाना नहटोर के बिलाई शुगर मिल का बताया जा रहा है। अब खबर फर्रुखाबाद से है, जहां बदमाशों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। दरअसल युवक ससुराल से लौटकर अपने घर जा रहा था और इसी दौरान अज्ञात बदमाशों ने युवक को घेर कर लाठी डंडों से मारपीट की है और युवक को बुरी तरह से घायल कर दिया है। वहीं रास्ते से गुजर रहे किसी व्यक्ति ने एम्बुलेंस को सूचना देकर बुलाया और युवक को जिला अस्पताल पहुंचाया है। युवक की हालत गंभीर है और सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची कायमगंज कोतवाली पुलिस बदमाशों की तलाश में जुट गई है। आगरा में स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा रामचरितमानस पर अभद्र टिप्पणी को लेकर हिंदूवादी संगठनों में जबरदस्त आक्रोश देखने को मिल रहा है। आगरा में आज बजरंग दल के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने साईं की ताकिया पर स्वामी प्रसाद का पुतला दहन किया और जमकर नारेबाजी की है और साथ ही बजरंग दल के द्वारा स्वामी प्रसाद के पुतले पर जमकर जूते चप्पल बरसाए हैं। जो भी आस्था करोड़ों हिंदुओं के हृदय में बसी हुई रामचरितमानस को एक स्वामी प्रसाद मौर्य, जो कि दो टके का आदमी है, जो अपने बाप का ना हो सका, जो कि औरंगजेब और मुगल शासक के कार्यक्रम करने वालों के साथ जुड़ गए हैं, ऐसा है ना, हर हिंदू के आस्था में रामचरितमानस है। क्या
आज स्वामी प्रसाद मौर्य जो पूर्व में मंत्री रहे हैं और चाटुकार रहे हैं, जिसने रामचरित मानस जैसी हमारे जो धार्मिक ग्रंथ है उनको कहीं ना कहीं इतनी अभद्र टिप्पणी की है जिसकी हिंदू समाज में एक बहुत बड़ा विषय गया है, इसलिए आज बजरंग दल महानगर आगरा ने इस सांकेतिक चौराहे पर उसका पतला फूंक कर विरोध प्रदर्शन किया है। गाजीपुर में जहां एक तरफ पंचायत भवनों में चोरी की घटना आए दिन होती रहती है और वहीं कनडा ब्लॉक के ही धरवा गांव के ग्राम पंचायत सचिवालय में चोरी की घटना से बचने के लिए सचिव मनोज यादव और ग्राम प्रधान बिंदु राणा ने सराहनीय कार्य किया है। सचिव और प्रधान ने ग्राम पंचायत सचिवालय में सेंसर लगवा दिया है जिससे मिनी सचिवालय में चोरी ना हो सके। सचिव मनोज यादव ने बताया है कि जिले में पंचायत भवनों में चोरी की घटना आए दिन होती है और इसको लेकर हर कमरे में हमने सेंसर लगवाया है जो कि ग्राम प्रधान और पंचायत सहायक के मोबाइल से जुड़ा हुआ है। अगर जो भी दरवाजा खिड़की या सिस्टम टच करेगा तो ग्राम प्रधान और पंचायत सहायक के मोबाइल फोन पर अलार्म बजने लगेगा। अपना परिचय दे दें। मैं ग्राम प्रधान बिंदु राणा, ग्राम धर्मा, पोस्ट कुसमई कला, जिला गाजीपुर के मूल निवासी हूँ। अभी तक देखा गया तो 2 साल कार्यकाल बीत रहा है और आपने ग्राम सभा में धरातल पर कितने कार्य करा चुकी है? जी, मैं पहला कार्य तो अपना ये ग्राम पंचायत ये सचिवालय का काम किया। पहले ये बहुत अस्त व्यस्त रूप में पड़ा था, बना तो था लेकिन अस्त व्यस्त, मतलब बहुत बुरी तरह इसकी हालत जो थी देखी नहीं जा रही थी। तो हम लोग सोचे कि इसको एक ऑफिस के नुमा अच्छे तरह से इसको बना दिया जाए कि यहाँ पूरे ग्राम सभा का जो कार्य होता है, जो ब्लॉक पे कार्य करने के लिए यहाँ की जनता जाती थी, वो सारे कार्य यहीं पर किया जाए। तो हम और हमारे सेक्रेटरी सर दोनों लोग मिल करके इस क्या नाम है सचिव का? मनोज कुमार यादव। काम कर रहे हैं, थोड़ा कोऑपरेशन की बात है, कहीं कहीं आदरणीय प्रधान जी लोगों द्वारा कहीं सहयोग नहीं मिल पा रहा है और जहाँ मिल पा रहा है वहाँ पर अच्छा काम हो रहा है, ऐसा नहीं है। हमारे सभी ग्राम पंचायतों के प्रधान जी बड़े अच्छे लोग हैं और सभी सचिवालय जो है समुचित और नियमानुसार संचालित हो रहे हैं। नेपाल से शालिग्राम शिला के अयोध्या पहुंचने के बाद अयोध्या के साथ साथ भारत नेपाल के सोनौली सीमा पर उत्सव का माहौल देखने को मिल रहा है। नेपाली और भारतीय लोगों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशियां बांटी हैं। नेपाल के गंडकी नदी से शालिग्राम शिला अयोध्या पहुंचने के बाद जहां एक तरफ आज भगवान श्री राम की जन्म के ही श्री अयोध्या में उत्सव का माहौल देखने को मिल रहा है, वहीं भारत और नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्र में भी और हर्ष देखने को मिल रहा है। सुनौली सीमा पर सीमावर्ती क्षेत्र के भारतीय नागरिकों ने नेपाल के जनप्रतिनिधियों समेत नेपाल के नागरिकों को फूल माला पहनाकर उन्हें मिठाई खिलाकर धन्यवाद ज्ञापित किया है। देखिए, ये तो सबसे पहले हम संपूर्ण नेपाल वासियों के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हम लोग के देश का पत्थर वहाँ पर भगवान राम जन्मभूमि के अयोध्या में मंदिर में निर्माण हो रहा है, ये हम लोग के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। नेपाल का जो शालिग्राम शिला अभी अयोध्या पहुँचा है तो हम लोग इसको तो बहुत ही धार्मिक जो संबंध हम लोग का है, सदियों से जो नेपाल और भारत का धार्मिक संबंध है, उस हिसाब से हम लोग इसको और भी मजबूती के हिसाब से, धार्मिक संबंध के हिसाब से यहाँ के नागरिक और भारत के नागरिक की स्थिति और जुड़ाव एकबद्धता और भी मजबूत हो रहा है, इस हिसाब से इसको ले रहे हैं। हरदोई ब्लॉक गेट पर ग्रामीणों का धरना देखने को मिला है। दरअसल प्रधानमंत्री आवास की पात्रता सूची से पात्र गरीबों के नाम कट जाने से ग्रामीण नजर आ रहे हैं, नाराज नजर आ रहे हैं इसको लेकर और गुस्साए ग्रामीण महिलाओं और इसके साथ ही टडियावा ब्लॉक गेट पर धरना प्रदर्शन किया गया और ब्लॉक के तीनों गेटों में ताला लगाया गया है। रामगढ़ताल थाना क्षेत्र के ही कठुवर बंधे पर ट्रॉली ट्रैक्टर और टेम्पो की भिड़ंत हो गई और इस दौरान 2 व्यक्तियों की मौत हो गई है। मौके पर पहुंची रामगढ़ताल थाने की पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है और घायल व्यक्तियों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। आपको बताते चले कि टेम्पो में 8
से ज्यादा लोग सवार बताए जा रहे हैं और एक्सीडेंट होने से दो व्यक्तियों की मौके पर ही मौत हो गई है। 4 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल है। हरदोई के पालीनगर से कुछ दिनों पहले घर से भागे प्रेमी युगल का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रहने की बात कह रहे हैं और साथ ही प्रेमी युगल ने वीडियो में कहा है कि अगर उन्हें जबरदस्ती अलग किया गया तो वो दोनों अपनी जान दे देंगे, इसके जिम्मेदार उनका परिवार और पुलिस होगी। वहीं दोनों को लेकर हाईकोर्ट ने पुलिस को दिशा निर्देश भी जारी कर दिया है। आपको बता दें कि प्रेमी युगल में लड़का हिंदू तो लड़की मुस्लिम है और पाली के 2 अलग अलग मोहल्ले के रहने वाले हैं। ये पाली थाना क्षेत्र का मामला है, इसमें दोनों लड़का और लड़की दोनों बालिग हैं। इसमें अभियोग पूर्व से ही पंजीकृत था 16/2023 जो विवेचनाधीन था और माननीय उच्च न्यायालय का भी इसमें कुछ दिशा निर्देश है जिसमें उसको प्रोटेक्शन और 164 का बयान कराने के भी निर्देश है, तो माननीय न्यायालय के निर्देशों के अनुसार इसमें कार्रवाई की जा रही है। भारतीय किसान यूनियन तोमर के द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में भारतीय किसान यूनियन तोमर के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजीव तोमर समेत अन्य पदाधिकारियों का स्वागत किया गया और राष्ट्रीय अध्यक्ष संजीव तोमर ने बताया है कि कार्यक्रम में संगठन का विस्तार किया गया, जिसमें सैकड़ों लोगों ने सदस्यता ग्रहण की और पदाधिकारियों की नियुक्तियों की भी की गई है। कार्यक्रम में भारतीय किसान यूनियन तोमर के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। अब खबर उन्नाव से है, जहां पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। यहां लाखों की मांग के साथ ही पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है और तस्करों के पास से 2 कुंटल 48 किलो अवैध भांग बरामद की गई है। वहीं सीओ सिटी आशुतोष कुमार ने पूरे मामले का खुलासा कर दिया है। तो उन्नाव से आपको खबर बता दें, जहां पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई की गई है। बता दें आपको कि उन्नाव में ही पुलिस की बड़ी कार्रवाई हुई है, जहां पुलिस को बड़ी सफलता हाथ मिलती हुई दिखाई दी है और यहां लाखों की भांग के साथ पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है और तस्करों के पास से ही 2 कुंटल 48 किलो अवैध भांग बताया जा रहा है कि बरामद हुआ है। वहीं सीओ सिटी आशुतोष कुमार ने पूरे मामले का खुलासा कर दिया है। झांसी के मऊरानीपुर थाना क्षेत्र से 3 तलाक का मामला सामने आया है, जहां एक विवाहिता ने अपने ससुराल वालियों के साथ पति पर भी उत्पीड़न का आरोप लगाया है। पीड़ित शबनम ने बताया है कि उसके नंदोई ने उसको बुरी नीयत से हाथ पकड़ा था और जिसका उसने विरोध किया और इसकी जानकारी उसने अपने सास ससुर को दी और इस पर उन लोगों ने उसको बुरी तरह से मारा पीटा। पति के आने पर जब उसने पति को सारी बात बताई तो सभी ने मिलकर उसको बुरी तरह से पीटा है और एक कमरे में ही उसके बच्चे सहित बंद कर दिया। शबनम ने पूरा मामला अपने घर पर बताया। घर वाले उसको किसी तरह बचाकर मऊरानीपुर के ही आए और जहां पर साथ ही पुलिस से शिकायत की गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। ललितपुर जिले के थाना बार अंतर्गत ग्राम गडियक में ही मिला, आपको बता दें व्यक्ति का शव मिला है, जिससे हड़कंप मचा हुआ है, जिसके बाद इलाके में सनसनी बताई जा रही है। ये व्यक्ति ललितपुर जिले के ही जखोरा थाना अंतर्गत ग्राम कल्याणपुर का निवासी बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। तो ललितपुर से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर व्यक्ति का शव मिलने से हड़कंप मच गया। बता दें आपको ये व्यक्ति ललितपुर जिले के जखोरा थाना अंतर्गत ग्राम कल्याणपुर का निवासी बताया जा रहा है और इसके साथ ही घटना की सूचना जब पुलिस को मिली तो पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल में जुटी हुई है। लखनऊ प्रयागराज मार्ग पर दर्दनाक हादसा हुआ है, जहां स्कूटी और बाइक की आमने सामने टक्कर में एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई है। वहीं ये पूरा मामला मील एरिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत प्रगतिपुरम कॉलोनी के पास का बताया जा रहा है, जहां एक स्कूटी सवार हरिशंकर सैनी पुत्र राम लखन सैनी, जिसकी उम्र 35 वर्ष है और वो सूरजपुर थाना कोतवाली निवासी है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और घटना
स्थल के बरामद बाइक के नंबर के आधार पर आरोपी की तलाश भी शुरू कर दी गई है। तो रायबरेली से आपको खबर बता दें जहां पर पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। बता दें आपको कि जानकारी सामने आई है जहां पर बताया जा रहा है कि दर्दनाक हादसा हुआ है, बाइक की आमने सामने टक्कर हुई है जिससे युवक की दर्दनाक मौत हो गई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।